हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कार्तिक माह में तुलसी जी की कहानी सुनाएंगे। अब शुरू करते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और ग्यारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की जय बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को जूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से जय बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गाँव इकट्ठा हो गया, और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, किसी से उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि जय तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी जय भारी है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि जय भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर जय उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, विकंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, कलर की जंगार ले, दाल भात को जी, और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कांधे पर उसे ले गए, बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। थैंक्स।